रानी और मैं प्यार का सपना, तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा दिल नहीं हो लगना, कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना, कभी जुदा नहीं हो सकता नींदों से सपना, दुनिया अपनी लगती जब तू हो गया अपना, हो तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सर, फाउंडर, ऑथर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात किया था। अब यहां जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बात करना है। तो अगर हम बात करें असर्टिव, नेगेटिव, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो आपको बता दें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? जी हाँ, सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं डू या डज का। और बताइए नेगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस था जिस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड दिया? तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो डू नॉट लगता है या तो डज नॉट लगता है, और डू डज के बाद या तो फिर मेन वर्ड का जो फॉर्म होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। रिमेनिंग पार्ट इसका जो है ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद अदर वर्ड यूज करते हैं और देन हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। तो देखिए इसमें एक डू है, एक डज। अब एक बात समझे कि डू प्लस नॉट को जब हम ऐड करते हैं तो ये डॉन्ट हो जाता है, और डज प्लस नॉट को जब हम ऐड करते हैं तो ये डजंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डजंट हो जाता है। और चाहे डू हो या डज हो, इसके साथ जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। अब देखिए कहां यूज करेंगे डू नॉट का और कहां यूज करेंगे डज नॉट का। वेरी सिंपल, आपको हम प्लुरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताए हैं कि आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन और एक से अधिक नाउन, मोर देन वन नेम को प्लुरल सब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा गया है, और इसके साथ जो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब कि इसी के साथ हम डॉन्ट यूज करते हैं, डॉन्ट यूज करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म में होता है मेन वर्ब के दृष्टिकोण से अगर देखें। अब देखिए यहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या होता है? तो ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर है, और जहां एक नाम दिया होता है, वन और
क्या दिया, नेम दिया, वॉल्यूम नेम दिया। तो इसके साथ हम चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में हिंदी में नहीं लगा तो इंग्लिश में नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं आपको, मैं आपको नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूं या जानती, मैं आपको नहीं जानता हूं या नहीं जानती। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं आई के साथ इसका प्रयोग करेंगे डोंट का, आई के साथ क्या रहेगा डू नॉट रहेगा। तो डू नॉट का कंटेंट हम डोंट, आई डोंट, जानना का नो और आपको है तो यू। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं I do not know you। अब इस दोनों सेंटेंस में फर्क इतना ही है कि यहां do not को एक साथ में जोड़ देंगे, यहां do और not को अलग अलग लिखें। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहें कि वह मुझे नहीं, वह मुझे नहीं और मान लिया दिया वो जानती, वह मुझे नहीं जानती है तो बताइए वह का क्या होगा? सी, और सी के साथ यहां यूज करेंगे डज नॉट, और जानना का बताइए क्या होता है? नो, और मुझे का मी। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सी डज नॉट नो मी। आप डज नॉट को अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर कहें कि हम लोग वहां नहीं जाते, हम लोग वहां नहीं जाते तो बताइए हम लोग का वी डोंट गो, और वहां का बताइए देयर। वी डोंट गो देयर, हम लोग वहां नहीं जाते। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी डू नॉट गो, और क्या लिख सकते हैं देयर। अगर वाक्य दिया हो कि वे लोग यहां नहीं रहते, वे लोग यहां नहीं रहते हैं, वे लोग यहां नहीं रहते हैं तो बताइए वे लोग का दे के साथ डॉन रहना का लिव, और यहां का फेयर। तो इस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें डू और डज प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। पांचवा सेंटेंस देखिए, रामू बाजार नहीं जाता है, तो आप देख सकते हैं रामू एक नाम है तो डज नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंट्रोगेटिव या सेंटेंस की बात करेंगे।